और मैं हूँ अभी कल्पेश्वर महादेव में जादवगढ़ के पहुंच गया था, और मेरे साथ है यहाँ के सब धुरंधर, सारे के सारे बैट्समैन बॉलर और फील्डर। हाय गाइस, वेलकम टू चैनल हिमालयन वल्चर। तो फाइनली टाइम आ गया है एक और ट्रिप का, बट सबसे पहले आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। तो आज मैं निकल रहा हूँ कल्पेश्वर महादेव के, तो क्यों ना 2023 की शुरुआत महादेव के आशीर्वाद से करते हैं यार। तो यहाँ से कल्पेश्वर की दूरी है अराउंड 479 किलोमीटर्स की, गादेवा से कल्पेश्वर महादेव जहाँ पे मैं रहता हूँ, एंड इट टेक्स यू अराउंड 12 आवर्स बाई रोड, और ब्रेक वाला आगे टेक्स अराउंड 14 आवर्स। बट येस, रास्ते में ड्रोन शॉट मैं लेने वाला हूँ, एकदम मस्त मस्त शॉट आएंगे जो आपको इस एपिसोड में और अपकमिंग एपिसोड में दिखेंगे, तो वो एंजॉय करना, कमेंट करके मुझे बताना। बाकी इट्स अ विंटर टाइम, सर्दी बहुत ज़्यादा है इस समय गाजियाबाद दिल्ली वगैरह में, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इट्स कोल्ड अराउंड 5 डिग्री रात तक, तो फॉग वगैरह मिल सकता है जिसके चांसेस हाई है, बट लेट्स सी कैसा कंडीशन रहता है, जो कि मैं आपको अपडेट करूंगा इसी एपिसोड में आगे चल के, जैसे कि मैं ब्रेक लेता हूं या रास्ते में ज़्यादा फॉग वगैरह दिखता है। तो बस अभी निकलते हैं थोड़ी देर में, जैसे मैं कहीं पहला ब्रेक लेता हूं या चाय के रुकता हूं, तो आपसे मिलता हूं थोड़ी देर में। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने में लगे अराउंड 3.5 आवर्स, ट्रैफिक वगैरह था नहीं, बट यस फॉग बहुत ज़्यादा था जब आप लालकों से लेफ्ट लेते हो, तो अराउंड 20-25 किलोमीटर फॉग था। तो अभी मैं इससे खड़ा हूँ राम झूला के पास में, यहाँ से आगे रूट है बंद होता है आपको पता ही, क्योंकि अराउंड 10-11 क्लॉक वो बंद हो जाता है रात को, उसके बाद वो मॉर्निंग अराउंड 3:30-4 क्लॉक खुलता है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, यहीं चाय वाय मानी पड़ी कुछ खाना पड़ेगा। और ये है नीचे राम झूला, इसका व्यू आ रहा है नीचे का। अभी ठंड इतनी नहीं है, और वंस यू एंटर इंटू दी मुजफ्फरनगर है मेरठ के साइड में, तब तक फॉग वगैरह कम हो जाएगा, था फॉग मिला नहीं था उसमें, मतलब अभी थोड़ा चाय वगैरह मारते हैं, देखते कहीं चाय जहाँ मिलती है उसके बाद मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी हम लोग पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग में, और अभी छोटा सा हमने हॉल्ट लिया है, वो लिया है होटल देवलोक रेस्टोरेंट में। तो काफ़ी लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरी ओली सीरीज देखी है, जब हम ओली आए थे जहाँ पे हमने स्टॉप किया था 2 घंटे के लिए, तो आराम आराम करने के लिए। बाकी अभी यहाँ से उड़गा में जाएंगे अराउंड 4 आवर्स की डिस्टेंस पे, जो कि लगेंगे हमें 3-4 घंटे पहुँचने में स्टिल, अगर कहीं ब्रेक नहीं लिया हमने तो। बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं उड़गम के लिए, तब तक आप रास्ते का नज़ारा इन्जॉय करो, जैसे मैं रुकता हूँ आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। कल्पेश्वर रोड पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से अराउंड लगेंगे 45 मिनट्स पहुँचने में, मगर पहुँचना तो आसान नहीं है क्योंकि पूरी 40 मिनट्स की ऑफ रोडिंग है ये, तो दिखाने वाला आपको इस वीडियो में, इस एपिसोड के अंदर में। तो बस ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आप जब तक यहाँ के शॉट देखो कैसी रोड कैसी कंडीशन है, आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में।
फाइनली 14 घंटे के स्ट्रगल के बाद में, स्ट्रगल के एन्जॉयमेंट के बाद में फाइनली पहुंच चुका मैं कल्पेश्वर महादेव। 14 घंटे से लग गया यार, क्योंकि ऋषिकेश में जो रास्ता होता है वो बंद होता है ना अराउंड 10 PM से लेके 4 AM तक, तो टू एंड हाफ आवर हमारा वहाँ वेस्ट हो गया। इसके लिए प्रॉब्लम था, अदरवाइज मैं 3 ब्रेक भी लिए, कुछ शूट वगैरह भी करा, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। बट इट वॉज अ नाइस जर्नी, मज़ा आया। अपना आप कमेंट करो, अपने रिव्यू शेयर करो, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आप लोगों का। कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सबसे पहले आपको व्यू दिखाता हूँ, जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ का व्यू कैसा आ रहा है। तो ये है सामने का व्यू, और ये है नीचे एग्रीकल्चर लैंड। और सामने जो रेंज है वो है ओली जोशीमठ की रेंज, जो मैं ऑलरेडी पहले शूट कर चुका हूँ। तो बस, तो अभी का प्लान तो ये है कि अभी यहीं रहेंगे, रेस्ट वगैरह करेंगे, दर्शन कल मॉर्निंग में करेंगे, क्योंकि सुबह के दर्शन काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि करवाने वाला हूँ मैं आपको। उसके बाद ऋषिकेश निकलना है, वो प्लान देखते हैं कैसे प्लान करना है, कैसा रहेगा वो आपको अपकमिंग एपिसोड में पता लगेगा मेरे। तो अभी के लिए बोले इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर सब्सक्राइब कर दो, वो बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अब वीडियो रेगुलर आने वाली है, आपको अपडेट मिलने वाला है। और आपसे मिलता हूँ अपने नए एपिसोड में, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।